सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर योर एजुकेशन। आई होप आपकी सारी एग्जाम्स की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी और जनरल नॉलेज की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं शिवानी आ गई हूँ जनरल नॉलेज के सारे डाउट्स एंड सारे क्वेश्चन लेके। सो आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता एम्पायर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना टॉपिक। सो गुप्ता एम्पायर 4th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। गुप्ता एम्पायर जो है मगध में बढ़ना शुरू हुआ था एंड गुप्ता एम्पायर आपका लास्ट 200 ईयर्स तक चला था। जैसे कि ना गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्डन एज किसे कहा जाता है। तो अब आपको पता लग गया है कि गोल्डन एज गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है। ना तो क्वेश्चन इज गोल्डन एज इसे क्यों कहा जाता है। गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे आर्ट और कल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे थे। पहले आर्ट और कल्चर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट इन गुप्ता एम्पायर आर्ट और कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं लोग, और आर्ट और कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा है। गुप्ता रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। गुप्ता रूलर जो है आर्ट और लिटरेचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उसे डेवलप करने के लिए पूरा पूरा सपोर्ट करते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समुद्रगुप्ता वॉज रिप्रेजेंट ऑन हिज कॉइन्स प्लेइंग द वीना। जो ये समुद्रगुप्ता आपको कॉइन्स में दिख रहे हैं वीना बजाते हुए, ये समुद्रगुप्ता ने अपनी जो पिक्चर है वो कॉइन में रिप्रेजेंट करी हुई है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एविडेंस द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वॉज अ पर्सन नेम्ड गुप्ता। अब गुप्ता एम्पायर किसने गुप्ता एम्पायर की खोज करी है? गुप्ता ने, उसका नाम गुप्ता था, तो यू कैन से दैट श्री गुप्ता। सो द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर इज श्री गुप्ता। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता एम्पायर के रूलर्स की। सो द फर्स्ट रूलर जो है गुप्ता एम्पायर का वो है चंद्रगुप्ता वन, जो 319 से लेके 334 AD तक हमारे साथ थे। क्लियर है? सो चंद्रगुप्ता इज़ द फर्स्ट रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज का तो जो फर्स्ट टाइटल था वो चंद्रगुप्ता को मिला था। क्लियर है? अब पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी या किसी की लैंड में कब्जा करना होता था, तो आपको लड़ाई नहीं, आप उसके प्रिंसेस उसकी प्रिंसेस से शादी कर लेंगे तो अपने आप आपकी पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो पहले जो चंद्रगुप्ता थे वो लोकल चीफ थे, लेकिन उनकी इंक्रीज़ कैसे हुई पावर, क्योंकि उन्होंने मैरिज कर ली कुमारा देवी से, जो कि लिच्छावर की प्रिंसेस थी। तो इसी तरीके से बिहार और नेपाल का जो एरिया था उस आज के टाइम पे, जो बिहार और नेपाल का एरिया था, मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ, नेपाल का जो ये एरिया था ये किसका हो गया था? चंद्रगुप्त वन का। ओके, तो इस सिचुएशन का चंद्रगुप्त ने फ़ायदा उठाया और गंगा वैली की तरफ का जो सारा एरिया है वो उनके कब्जे में आ गया। अब चंद्रगुप्ता की डेथ कब हुई थी? 1335 में AD में उनकी डेथ हो गई थी। अब चंद्रगुप्ता किसके बेटे थे? घटोत्कच के। और चंद्रगुप्ता का पापा कौन थे? घटोत्कच। और चंद्रगुप्ता एक पहले इंसान थे जिन्होंने गोल्डन कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराया था, जिनका नाम था कुमारा देवी टाइप। सो आई होप चंद्रगुप्ता वन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी, दैट चंद्रगुप्ता वन जो पहले रूलर थे उनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था, उनकी शादी जो हुई थी कुमार देवी से हुई थी, और जो नेपाल का और बिहार का जो एरिया था उसके बाद आ गया था उनके कंट्रोल में। बिल्कुल क्लियर है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूलर की। तो नेक्स्ट रूलर थे समुद्र गुप्ता, ठीक है। उनका टाइम पीरियड था 335 से लेकर 380 AD तक। अब समुद्रगुप्ता भी काफ़ी जाने माने, काफ़ी ग्रेट किंग थे, ठीक है। जो समुद्रगुप्ता के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में से मिली हुई हैं, क्योंकि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स जो हैं दी गई हैं। और ये किसने लिखा है? उनके ही कोर्ट पोएट हरिसन ने। तो उनके ही जो ये कोर्ट पोएट है उन्होंने ही उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है गाइस कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। क्लियर है? और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी।
और ये इनके कोट वर्ड हरिसेना ने ही इनके बारे में लिखा है कि इनको हीरोज़ ऑफ 100 बैटल कहा जाता था, बिकॉज ये कोई भी बैटल हारते नहीं थे, सारी बैटल को ये विन करके आते थे। इज दैट क्लियर? सो समुद्रगुप्ता वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत जाने माने किंग थे। अब आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद का जो ये पिलर है। क्लियर है? ओके। समुद्रगुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय रामगुप्ता। तो जो समुद्रगुप्ता था वो किससे के बाद आया? समुद्रगुप्ता के बाद जो आया वो थे रामगुप्ता। क्लियर है? अब हम रीड कर लेते हैं चंद्रगुप्ता टू के बारे में। समुद्रगुप्ता के बाद नेक्स्ट रूलर था चंद्रगुप्ता टू। तो रामगुप्ता चंद्रगुप्ता टू से पहले था रामगुप्ता, उसका ज़्यादा रोल नहीं था इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। सीधे हम स्किप करते हैं चंद्रगुप्ता टू पर, जो भी डिटेल्स हैं वो हम रीड कर लेते हैं रामगुप्ता के बारे में, कि जो रामगुप्ता ने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जो है रूल किया था। और रामगुप्ता एक फ़र्स्ट ऐसा इंसान था जिसने कॉपर कॉइन इशू किए थे। तो गोल्डन कॉइन चंद्रगुप्ता वन ने इशू किए थे और कॉपर कॉइन्स जो थे चंद्रगुप्ता टू ने इशू किए थे। अब रामगुप्ता काफ़ी ज़्यादा कायर किस्म का किंग था। उसने क्या किया, जो अपनी क्वीन थी दौरा देवी को ही उसने साका इन्वेडर्स के हवाले कर दिया था। लेकिन चंद्रगुप्ता टू उसके छोटे भाई ने एनिमीज से बदला लिया और साका किंग को मार दिया। और फिर जो साका एरिया है, साका का जो एरिया है उसमें चंद्रगुप्ता ने जीत हासिल कर ली। क्लियर है? ओके। चाइनीज पिलग्रिम फहीन विजिटेड इन इंडिया एट हिस टाइम। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चाइनीज पिलग्रिम जो फहीन है वो इंडिया कब आए थे, किसके टाइम पे आए थे? तो चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे आए थे। अब मैं आपको बता दूँ, पिलग्रिम का मतलब ये होता है जो बुद्धिस्ट लोग यात्रा करते हैं फॉर उनके रिलीजन के लिए, उनके रिलीजन के लिए जो यात्रा करते हैं उन्हें कहते हैं पिलग्रिम। तो ये फहीन पिलग्रिम जो है चाइना के हैं और ये चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे इंडिया आए थे। क्लियर है? नाउ चंद्रगुप्ता टू ऑल्सो सक्सीडेड इन किलिंग रामा गुप्ता एंड नॉट ओनली सीज हिज किंगडम बट ऑल्सो मैरिड हिज विडो दौरा देवी। अब चंद्रगुप्ता ने टू ने क्या करा, जो रामा गुप्ता की वाइफ थी दौरा देवी उससे मैरिज कर ली और साका इन्वेडर्स को भी उन्होंने मार दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर थ्रो ऑफ साका रूलर्स इन वेस्टर्न इंडिया द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी। अब जो गुप्ता एम्पायर था वो और बड़ा हो गया और अरेबियन सी तक पहुँच गया। ओके। सो ही वॉज द रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ साका। और साका को मार के जीतने की जो खुशी थी इसलिए उन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया। तो चंद्रगुप्त टू ने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था। चंद्रगुप्त टू के टाइटल्स क्या थे, साकारी एंड विक्रमादित्य। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि विक्रमादित्य किसका नाम था, तो चंद्रगुप्त टू का नाम तो था विक्रमादित्य। क्लियर है? अब चंद्रगुप्त टू के नौ रत्न थे, कालिदास, धनवंतरी, वहारी महारी, वारारुचि, घाटाकरण, काशापराक, वेलावट एंड शांकु। ओके। अब हम रीड कर लेते हैं चंद्रगुप्त टू के बाद आए थे कुमार गुप्ता वन। उनका जो टाइम पीरियड था वो था 415 से लेकर 455 एडी तक। तो कुमार गुप्ता किसके बच्चे थे, चंद्रगुप्त टू के। आपको तो पता ही है पहले हेरिडिटरी चीज़ें चलती थी। सो हेरिडिटरी मतलब जिसका बच्चा ही किंग बनेगा। ठीक है? तो कुमार गुप्ता इज़ द वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिकेय। कुमार गुप्ता जो है कार्तिक जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। कुमार गुप्ता फाउंडेड द नालंदा महावीरा विच डेवलप्ड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। कुमार गुप्ता ने किसको फाउंड किया था, नालंदा महावीरा की खोज की थी जो कि बहुत ही ग्रेट सेंटर बना लर्निंग का, जहाँ बच्चे कुछ जाके सीख सकते थे। एट द टाइम ऑफ कुमार गुप्ता हुंस स्टार्टेड थ्रेटनिंग द नॉर्थ एरिया। तो हुंस ने कुमार गुप्ता के टाइम पर थोड़ा अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, जो हुंस थे उन्होंने। अब आप पूछेंगे कि हुंस कौन होते हैं, तो हुंस एक ऐसे लोग थे जो कि पॉलिटिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट
वो लोग खेती करा करते थे, ठीक है। तो कुमार गुप्ता का टाइटल क्या था? महेंद्र आदित्य। नहीं, ये हमारा लास्ट रूलर है स्कंद गुप्ता। इनका टाइमिंग था 455 से लेके 476 AD तक। तो स्कंद गुप्ता वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब आपको बताया स्कंद गुप्ता जो है लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और स्कंद स्कंद गुप्ता के टाइम पे हुंस ने अटैक कर दिया था, जो कि पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन स्कंद गुप्ता के टाइम पर उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन स्कंद गुप्ता डिफीटेड द हुंस। स्कंद गुप्ता ने उन्हें हराया, हुंस को हराया जो कि खेती करते थे, उन्हें हराया। और उसके बाद स्कंद गुप्ता को भी टाइटल मिला विक्रम आदित्य का। ये सारी इन्फॉर्मेशन भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से ली गई है। लेकिन हुंस के बार बार अटैक करने पर जो गुप्ता एम्पायर थोड़ा वीक हो गया, और स्कंद गुप्ता की डेथ के बाद गुप्ता एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गया। सो आई होप आपको गुप्ता एम्पायर की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज की हमारी क्लास से। और जो भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ आई हैव टू लीव द क्लास। ओके, टेक केयर, बाय बाय।